गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की तारीख में सब में ज़्यादा लोगों को जो बीमारी है और जिससे सफ़र कर रहे हैं वो है डायबिटीज़ के लिए यकीनन डॉक्टर की ज़रूरत तो है ही है और आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत है, मगर डायबिटीज़ पे कंट्रोल पाने के लिए आपको अपना जीवन शैली लाइफस्टाइल बदलने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ की वजह से परेशानी होती है, अगर इंसान को कोई सर्जरी करना हो तो अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो सर्जरी नहीं हो सकती, कोई मार लग गई हो तो जल्दी हील नहीं होती, हार्ट अटैक आ जाता है तो पता नहीं लगता है, ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, आँख किडनी लीवर ब्रेन ये सब चीज़ को तकलीफ पहुँचती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने लाइफस्टाइल को आप सही कीजिए, हर 2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक साथ खाया तो एक साथ शरीर में शुगर जनरेट होता है और शुगर राइज होता है, और बहुत लंबे समय तक अगर आपने नहीं खाया तो शुगर लो होता है, और जब शुगर लो होता है तो उसी तरह होता है जिस तरह से एक बॉल होता है, अगर ज़मीन पर आपने उसको पटका वो नीचे गया तो जितना नीचे जाता है वो उतना ऊपर जाता है, 24 घंटे फिर लगते हैं शुगर को कंट्रोल में आने के लिए। इसलिए आपको अपना लाइफस्टाइल को सही करने की ज़रूरत है, सवेरे सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे वॉकिंग कीजिए, योगा कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, वर्कआउट कीजिए, जो आपको पसंद है, मगर शरीर को कुछ खुद के लिए एक्टिविटी देना ज़रूरी है जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर के फैट्स बर्न होते हैं। एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ द फैट्स, अगर आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट्स हैं तो वो अपने आप शुगर जनरेट करते हैं, और जो बॉडी अपनी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है और जो फैट्स का मात्रा आपके शरीर में होता है वो अगर इक्वेट नहीं हुआ तो शुगर लेवल आपका बढ़ता है। इसके लिए आपको मॉर्निंग वॉक जो है, मॉर्निंग वॉक कीजिए, आफ्टरनून वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, 30 मिनट्स कीजिए, 15 मिनट्स कीजिए, 1 आवर कीजिए, जितना आपको पॉसिबल उतना कीजिए, मगर डेली वॉकिंग जॉगिंग वर्कआउट ये बहुत ज़रूरी है, और अपना वक्त पे सोना, वक्त पे खाना, शक्कर स्वीट्स जो है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, इनको अवॉइड करना, क्योंकि ये सारे फैट्स जनरेट करती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपको कंट्रोल करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको डायबिटीज़ की वजह से आपके मसल लॉस होते हैं, ऑर्गन डैमेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए अपनी जीवन शैली को सुधारिए, उसे इम्प्रोवाइज़ कीजिए और जीवन जीने का जो है आनंद लीजिए। अगर सिर्फ संपत्ति, धन संपत्ति आपने जमा करी और अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं देता है तो आपका साथ दूसरा कोई नहीं देगा, आपका साथ अपने आप को आपको देना है। इसलिए अपने हेल्थ को संभालिए। धन्यवाद।